नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रकाश और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही गंभीर बात को लेकर के। जी हां, अपनी दाल में जीरे का तड़का तो जरूर लगाते होंगे आप, लेकिन जरा ध्यान रखिएगा कहीं जीरे का जायका आपकी सेहत बिगाड़ न दे। जी दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने और खाद्य विभाग ने मिलकर एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो नकली जीरा बनाता था। जी हाँ, नकली जीरा। अब ये बनता कैसे था ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें, दरअसल दिल्ली पुलिस के एक कॉन्स्टेबल को कहीं से ये जानकारी मिली कि दिल्ली के बवाना इलाके में एक जगह नकली जीरा बनाया जा रहा है। उसने इसकी जानकारी खाद्य विभाग को दी और खाद्य विभाग के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने जब वहाँ छापा मारा तो भारी तादाद में नकली जीरा बरामद हुआ और नकली जीरा बनाने का सामान बरामद हुआ। अब आप पूछेंगे कि नकली जीरा कैसे बन सकता है, जीरा नकली कैसे हो सकता है, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल ये लोग जो नकली जीरा बनाते थे, ये यूपी के इलाकों से फूल झाड़ू जो बनाने वाली लकड़ी होती है या जो घास कह सकते हैं, वो घास खरीद करके लाते थे। महज 5 रुपये किलो में इनको ये घास मिल जाती थी, वो घास ये खरीद करके लाते थे। और जब आप फूल झाड़ू को झाड़ते हैं ऐसे, तो आप देखते होंगे कि उसमें बहुत छोटे 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 जीरे के शक्ल के चीज़ें टूट टूट करके उसकी पत्तियां झड़ती हैं। उन पत्तियों को ये लोग इकट्ठा करते थे, उनको सुखाते थे और सुखाने के बाद गुड़ का सीरा बना करके, गुड़ की चाशनी कह लीजिए उसको, या गुड़ का शीरा कह लीजिए, गुड़ का शीरा बना करके उसमें डाल देते थे। उसके ऊपर मिलाया जाता था पत्थर का पाउडर। पत्थर का पाउडर इसलिए ताकि जीरे के रंग का दिखाया जा सके। उसके बाद उसमें से ये लोग छान करके उसको धूप में सुखाते थे और धूप में सुखाने के बाद फिर से उसमें पत्थर का बुरादा मिलाया जाता था, ये देखने के लिए कि कहीं से कोई कमी न रह जाए, ये बिल्कुल जो घास का टुकड़ा है वो बिल्कुल जीरे के शक्ल में दिखे। आपको हम बता दें कि महज 20 रुपये किलो के भाव से ये होलसेल मार्केट में ये लोग उसको बेच देते थे और होलसेल मार्केट से 100 रुपये किलो के भाव में रिटेल मार्केट में ये चला जाता था। ये सारी जानकारियां दिल्ली पुलिस को जो ये पकड़े गए हैं इन लोगों ने ये दिया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको मिलावट की जा रही है, कैसे इसको सुखाया जा रहा है और सुखाने के बाद कैसे उसमें पाउडर मिला करके और ये पूरा असली जीरा बनाने का कि पूरा वो तैयार किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये नकली जीरा दिल्ली के बाद यूपी में, बिहार में, गुजरात में, देश के कई हिस्सों में ये जाता था और कई हिस्सों में सप्लाई होता था। पुलिस ने यहाँ से लगभग 19,000 किलो नकली जीरा बरामद किया है, लगभग 5,500 किलो पत्थर बरामद किए हैं जिनका पाउडर बनाया जाता था। तो दोस्तों अपने घर में जाइए, किचन में जाइए और जा करके जरा जीरे के डब्बे को उठा करके देखिए कहीं आपके घर में भी नकली जीरा तो नहीं है। शक्ल उसकी बिल्कुल असली जीरे की तरह होगी लेकिन उसमें खुशबू नहीं होगी, उसमें टेस्ट नहीं होगा। और क्योंकि 80% असली जीरे के साथ ये 20% नकली जीरा मिलाया जाता था तो बड़ी आसानी से उस जीरे में घुल मिल जाता था और आपको पता भी नहीं चलता था। लेकिन ये 20% नकली जीरा जो मिलाया जाता था वो आपकी सेहत के साथ वो खिलवाड़ कर सकता है कि आपकी जान तक जा सकती है। इसलिए एक बार फिर मैं कहूँगा, अपने किचन में जाइए और ज़रा गौर से देखिए कहीं आपका जीरा, आपके किचन में जो जीरा रखा है वो नकली तो नहीं है।